हेलो गाइस आप देख रहे हैं ए टू जेड होम्स डिजाइनिंग यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन हाउस प्लान की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ आज मैं एक प्लान लेके आया हूँ जिसका साइज है तीस बाई तीस है सौ गज का प्लॉट दिया है जिसमें आपको नीचे दो दुकान टू बी के हाउस प्लान उसके ऊपर भी आपको टू बी के दो फ्लैट दिखेंगे सेपरेट आपका प्लान दिया हुआ पूरा देख सकते हैं एलिवेशन कुछ इस तरीके से बनाए अब मैं आपको इसकी थ्री पूरी डिटेल जानकारी दूंगा तो बढ़ते अपनी थ्री प्लान की ओर यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको प्लान मिलता है पूरा कम्प्लीट थ्री में तीस बाई तीस में गज का प्लॉट है यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन कुछ इस तरीके जाल भी दिए गए हैं वेंटिलेशन कोई आपको प्रॉब्लम ना हो तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस कर लेना है यहाँ पे आपको इस तरीके से न्यू न्यू वीडियो मिलते रहेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से रैंप दिया बाइक पार्किंग के लिए उसके बाद यहाँ पर आपको दुकान के लिए सीढ़ियाँ भी उपलब्ध कराई गई हैं बीचों बीच यहाँ पे गेट मिल जाता है गेट आपका छह पेट का दिया है गेट से आप एंट्री लेंगे एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ इस तरीके जीने नीचे बाइक पार्किंग मिल जाती है उसके बाद यहाँ पे आपको आगे भी स्पेस मिल जाता है पार्किंग के पर्पज़ से देख सकते हैं आप उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दोनों साइड दुकान मिल जाती हैं दोनों दुकानों का साइज मैंने सेम रखा है दुकान का मैंने साइज़ दिया है ग्यारह बाई पंद्रह ग्यारह बाई पंद्रह की आपकी दोनों दुकानें दी हैं फ्रंट इसका ग्यारह फिट दिया लंबाई इसकी पंद्रह फिट दी गई है ये ग्यारह बाई पंद्रह की दोनों दुकानें उपलब्ध कराई गई हैं उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जिस तरीके से एंटीगेट मिलता है वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है गेट से आप एंट्री लेंगे एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले हॉल मिल जाता है इस हॉल का मैंने साइज़ रखा हुआ है आठ बाई नौ आठ बाई नौ का आपका हॉल दिया है हॉल में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जिस तरीके ओपन किचन मिल जाती है देख सकते हैं इस किचन का मैंने साइज़ रखा हुआ है छ बाई नौ ये छः बाई नौ की आपकी किचन दी गई है देख सकते हैं आप छः बाई नौ उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जिस तरीके से एंटीग्रेट मिलता है वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है गेट से आप एंट्री लेंगे एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको जिस तरीके से रूम मिल जाता है काफ़ी बड़ा आपका रूम दिया है इस रूम का मैंने साइज रखा है दस बाई चौदह ये दस बाई चौदह का आपका रूम बना हुआ है उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जिस तरीके से एंटीग्रेय मिलता है वेंटिलेशन विंडो दिख जाती है गेट से आप एंट्री लेंगे एंट्री लेने के बाद यहाँ पर आपको जिस तरीके से रूम मिल जाता है इस रूम का मैंने साइज रखा है दस बाई दस ये दस बाई दस का आपका रूम बना है कुछ इस तरीके से देख सकते हैं दस बाई दस उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जिस तरीके से एंट्री मिलता गेट से आप एंट्री लेंगे एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको लेट्रिन बाथरूम कम्बाइंड मिल जाती जो कि आपके रूम में अटैच दी गई है उसके बाद यहाँ पे आपको जिस तरीके छोटा सा रोशनदान दिया है वेंटिलेशन कोई आपको प्रॉब्लम ना हो दो बाई चार का यहाँ पे आपको स्पेस दिया ऊपर जाल रखा हुआ है लेट्रिन बाथरूम फुल वेंटिलेशन होता रहेगा इसलिए लेटरिन बाथरूम का मैंने साइज रखा है चार बाई आठ है चार बाई आठ के आपकी लेट्रिन बाथरूम कंबाइंड बनी हुई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर में फ्रंट में दो दुकान अंदर आपका टू बी हाउस प्लान कुछ इस तरीके से कंप्लीट दिया है अब बात करते हैं ऊपर के प्लान की तो जीने से आपको ऊपर आना है ऊपर आने के बाद कुछ इस तरीके दिख जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं जीने से आपको जिस तरीके से ऊपर आएंगे उसके बाद तुरंत ऊपर जाने को जिस तरीके जीना मिल जाता है जैसा कि आपको नीचे देखने में लगा था तीन फिट का आपका जीना दिया है देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको दो इंटीगियर मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हॉल मिल जाता है कुछ इस तरीके से नॉर्मल सा आपका हॉल दिया है इस हॉल का मैंने साइज रखा है सात बाई सात है सात बाई सात का आपका हॉल बना है हॉल में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आप ओपन किचन मिल जाती है किचन के वेंटिलेशन इस साइज से आपको विंडो दी गई है ऊपर मैंने जाल रखा हुआ है देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो बाई सात का स्पेस दिया हुआ परपस है वेंटिलेशन परपज से इस किचन का मैंने साइज रखा हुआ है पाँच बाई सात है पाँच बाई सात की आपकी किचन दी है उसके बाद यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से इंटीरियर मिलता है वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है गेट से आप एंट्री लेंगे एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से रूम मिल जाता है इस रूम का मैंने साइज रखा हुआ है दस बाई दस ये दस बाई दस का आपका रूम बना हुआ है इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आपको जिस तरीके से इंटीग्रिय मिलता है गेट से आप एन लेंगे।, लेंगे इंटी लेने के बाद यहाँ पे आपको लेटरिन बाथूम कमाइंड मिल जाती है जिसका मैंने साइज रखा हुआ है चार बाई आठ है चार बाई आठ के आपके लैट्रिन बाथूम कमाइंड दिए पीछे आपका दो फिट का स्पेस दिया है देख सकते हैं आप अगर आप रूम की विंडो इस साइड लगाना चाहते हैं दो फिट की विंडो आप यूज कर सकते हैं वेंटिलेशन के पर्पज से उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जिस तरीके से इंटीग्रिय मिलता है गेट से आप एन लेंगे एंटी लेने के बाद यहाँ पे आपको रोड साइड से रूम मिल जाता है रूम के वेंटिलेशन इस साइड से विंडो दिया बालकनी आने जाने कुछ इस तरीके से इंटीगेट दिया है छज्जा आपका तीन फिट का निकला हुआ है यहाँ पर आपको तीन फिट की सेपरेट बालकनी मिल जाती है इस रूम का मैंने साइज़ रखा है ग्यारह बाई बारह ग्यारह बाई बारह का आपका रूम बना हुआ है देख सकते ग्यारह बाई बारह का तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं, तो यहाँ पे आपको टू बी के हाउस प्लान कंप्लीट मिल जाता है अगर आप इस गेट से एंट्री लेते तब भी आपको यहाँ पे टू बी के हाउस प्लान मिल जाता है कुछ इस तरीके से पूरा आपका सेम प्रोसेस दिया हुआ है देख सकते हैं आप कंप्लीट हटिया कुछ इस तरीके से दी गई है फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके दिया है यहाँ पर मैंने ग्लास का यूज किया है ऑल टाइम उजाला बना रहेगा आपके जीने में वेंटिलेशन कुछ इस तरीके जाल भी दिए गए हैं ऊपर आप पानी की टंकी रख सकते हैं तीस बाई तीस में सौगज के प्लॉट में नीचे दो दुकान पीछे आपका टू बच हाउस प्लान उसके ऊपर भी आपके टू बी के टू फ्लैट कम्प्लीट दिए हुए हैं उम्मीद करता हूँ आज का प्लान बहुत ही पसंद आया पसंद आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बेलाइकन को प्रेस कर लेना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आज के लिए इतना ही वीडियो देखें धन्यवाद